देखो यार, सर्कस मूवी आने वाली है और इसका फिलहाल टीजर रिलीज हो गया है। टीजर देख के एक ही चीज समझ में आई, ऊंची दुकान फीके पकवान। काफी एक्सपेक्टेशन थी इस मूवी से, लेकिन वैसा कुछ दिखा नहीं टीजर में। टीजर में बेसिकली होता यही है कि कुछ ऐसी क्लिप्स डाली जाती हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को अट्रैक्ट किया जा सके टीजर के थ्रू, ट्रेलर के थ्रू मूवी देखने के लिए। लेकिन इसमें जिस तरीके से चीजें दिखाई हैं वो क्या है दिमाग डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का, ये तो नहीं पता, बट जिस तरीके से चीजें हैं वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पा रही हैं। देखो यार, सबसे पहले जिस तरीके से टीजर में कास्टिंग दिखाई दे रही है उससे तो यही पता चलता है कि आधे से ज्यादा कास्टिंग तो गोलवाल मूवी के एक्टर्स की कर रखी है। इसके अलावा कुछ एक्टर इक्का दुक्का नए ले रखे हैं, तो उसमें से क्या कोलैबोरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं वो तो समझ नहीं आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से टीजर में एक एक डायलॉग सब मतलब एक्टर्स को दे रखा है वो ठीक ठाक सा लग रहा है, और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो सर्कस मूवी है ये फिलहाल आज के टाइम की नहीं है, ये है आपकी 1960s की। किस तरीके से माँ बेटी में प्यार होता था, न्यूज में सिर्फ न्यूज दिखाई जाती थी, ब्रेकिंग न्यूज नहीं, इसके अलावा और भी ढेर सारी बातें बता के ये क्लियर करने की कोशिश करी गई है कि जो मूवी है वो 1960s की होने वाली है। मतलब जो आज के दौर को कंपेयर किया गया है 1960s के दौर से, पहले कितने अच्छे से हसमुख लोग रहा करते थे और आज के टाइम पे टाइम कितना बदल चुका है। अब इसको सर्कस के रूप में किस तरीके से दिखाएंगे ये तो ट्रेलर में पता चलेगा। रणवीर सिंह का आपको इसमें डबल रोल दिखाई देगा तो ठीक है। इसके अलावा आपको अजय देवगन भी स्पेशल अपीयरेंस में दिखाई देंगे, उनके साथ दीपिका पादुकोण भी आपको इक्का दुक्का सीन में दिखाई दे सकती हैं। तो यार, मूवी के टीजर को देख के तो बहुत ज़्यादा फीलिंग्स नहीं आ रही है कि यार इस मूवी को देखना चाहिए। बाकी 2 दिसंबर को जो ट्रेलर रिलीज होगा उसमें देखते हैं क्या कुछ होगा। बाकी टीजर को इन्हें कुछ अलग तरीके से बनाना चाहिए था, हो सकता है पॉसिबल ना हो पाया हो सारे एक्टर्स को एक छोटे से टीजर में दिखाना, ये भी एक कारण हो सकता है। बाकी अभी तो मैं कोई पॉजिटिव रिव्यू नहीं दूंगा इस मूवी को, क्योंकि बाकी मैं ये थोड़ा सा दिल जीत नहीं पाई, एक भी ऐसा सीन नहीं लगा जो थोड़ा सा अट्रैक्ट करे। बाकी की जो भी अपडेट होंगी, ट्रेलर आएगा 2 दिसंबर को रिव्यू करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए।